आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 17 दिसंबर 2020, प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा जो कि 17 दिसंबर की है, उसका मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपका बुकलेट दिया जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका टाइम दिया जाएगा कि आपको कितने घंटे का, आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 मार्क का एग्जाम होगा और ये आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा जिसको आपको OMR शीट में फिलअप करना रहेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन डी, जो हिंदी वाला सेक्शन होता है, जो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इस सेक्शन में आज हम लोग 30 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 91 to 120 आज हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे। और ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे फिलअप करना है, वो OMR शीट में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 30, सेक्शन ए, खंड हिंदी। अब देखिए, देवेश शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो देवेश का संधि विच्छेद देव जोड़ ईश होगा, लता शब्द का बहुवचन रूप होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लताए होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि मोहन को मारता है, इस वाक्य में प्रयुक्त वो किस कारक का चिन्ह है, मतलब कि जो को है हरि मोहन को मारता है ये कौन सा कारक है। तो ये हो गया आपका क्रम कारक, मतलब जिस पर फल पड़ रहा है, क्रम कारक, कर्ता मतलब जो काम करता है और क्रम मतलब जिस पर फल पड़ता है उसको बोलते हैं क्रम कारक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्रम, यानी ये चारों ऑप्शन रॉन्ग है। मिथिला चित्रकला को पहली बार दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसने किया था, इसका जो राइट आंसर होगा WG आचार्य ने किया था। निम्नलिखित शब्दों के वर्तनी का शुद्ध रूप कौन सा होता है, आयुर्वेद का शुद्ध रूप ये होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रास न आना मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा, इसका मुहावरे होगा अच्छा नहीं लग रहा। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, जो बहुत जानता हो बहुत जातक। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, जातक कथा से ली गई कहानी का नाम बताओ, तो जो जातक कथा से ली गई कहानी है वह उपकार का बदला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेर नगरी नामक एकांकी के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिसे जीता नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अजय कहते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, जो नेक्स्ट प्रश्न है, मैं प्रण करता हूँ कि किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करूंगा, प्रण करने का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिज्ञा करना। प्राण लेना भी नहीं होगा, ये भी रिजेक्ट होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रतिज्ञा करना या प्रतिज्ञा लेना। मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गाँव में रहता है, यहाँ पर युक्त शब्द विधवा का विपरीत होगा, तो विधवा का जो विपरीत होता है वो साधवा होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, उषम व्यंजन के उदाहरण नहीं, उषम व्यंजन के स तलाबे सी समुदाय से, ये सभी उषम व्यंजन है लेकिन क उषम व्यंजन का उदाहरण नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा कि है या नहीं, एग्जाम में आपको दो पूछे जा सकते हैं, ये अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है, तो आगामी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शुद्ध वर्तनी वाला है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वो सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा, इस बार में टुकुर टुकुर देखने का क्या मतलब है, टुकुर टुकुर देखने का मतलब होता है बिना पलक गिराए देखते रहना, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। पुरुष का बहुवचन रूप क्या है, तो पुरुष का बहुवचन पुरुष होगा। बाघ के आते ही उसके होश उड़ गए, यहाँ होश उड़ने का अर्थ है, यहाँ होश उड़ने का अर्थ है बहुत घबरा जाना। करत करत अभ्यास ते जर्मति हो सुजान, वाक्य में जर्मति का अर्थ होगा, वाक्य में जर्मति का अर्थ होता है मूर्ख। तैयारी शब्द का बहुवचन तैयारी, लड़कपन में आनंद रहता है, इस वाक्य में आनंद किस प्रकार की संज्ञा है, तो आनंद जिसको फीलिंग करते हैं वो है भाववाचक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर शब्द का प्रवाची होगा, तो ईश्वर शब्द का जो प्रवाची होता है वो भगवान होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अचानक शेर को सामने देखकर मेरा तो खून ही खौल गया, इस वाक्य में सुख उठा, सॉरी इस वाक्य में प्रयुक्त खून सूख जाना मुहावरे का अर्थ होगा, तो खून सूख जाना मतलब कि शेर को देखते ही बहुत डर जाना, इसका राइट आंसर बी होगा। पेट की आग को क्या कहा जाता है, तो पेट की आग को जठरानल कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किरण शब्द का प्रवासी शब्द नहीं है, नहीं है मतलब ये तो अंशु प्रभा ग्रंथ, ये तीनों है लेकिन रश्मि किरण शब्द का प्रवासी नहीं है। दही बरा शब्द किस समास का उदाहरण है, तो दही बरा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इमारत शब्द है, इमारत कौन सा शब्द है, इमारत आरबी शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्थूल शब्द का विलोम शब्द है, स्थूल शब्द का विलोम होगा सूक्ष्म, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर होता है। यदि जवान का मतलब युवा होता है, जवान का मतलब, तो जवान शब्द का अर्थ क्या होगा, तो जवान का मतलब जीव होता है। तो कुछ प्रश्न ऐसे ही होते हैं जिनको आप देख के ही बना सकते हो। निम्नलिखित शब्द में शुद्ध वाक्य चुनिए, राजा दशरथ के चार लड़के हुए, ये आपका राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा, राजा दशरथ के चार लड़के हुए ये भी गलत हो जाएगा, राजा दशरथ ने चार लड़के हुए ना ये भी गलत हो जाएगा, राजा दशरथ के चार लड़के हुए ये भी गलत हो जाएगा। अनुभूति शब्द का अर्थ हो जाता है, अनुभूति शब्द का अर्थ होता है जिस ज्ञान को हम लोग सुन के प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं
सुन करके प्राप्त किया गया ज्ञान अनुभूति बोलते हैं। तो आज के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में इनमें से कुछ प्रश्न तो जरूर आ जाएंगे, ये तो मैं फिक्स कह सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण से प्रश्न जिनका मैंने आपको सोल्यूशन दिया। आप चाहे तो इन सभी का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और एक नेक्स्ट वीडियो सिमुलतला आवासीय विद्यालय के आपके एग्जाम से पहले जरूर जल्द ही आने वाली है, जो कि कल तक आ जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है। तो उस वीडियो को अगर वॉच करना है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आज का ये वीडियो आपको आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मायने करता है, क्योंकि आपका 2 दिन बाद एग्जाम है। तो आप सोच ही सकते हैं कि आपके चेहरे पर कितना डर होगा, एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड योर बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।